नंबर फर्स्ट पे आता है वेपन। यह मेरे ओपोनेंट से जब आप टाइटन से फाइट कर रहे हो तो यार कभी भी लॉन्ग रेंज वाला वेपन चूज मत करो, जैसे कि यार ब्लड रिपर, कसारी गामा जैसे और भी लॉन्ग रेंज वाले वेपन जो यार आपको टाइटन के सामने यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यार टाइटन लॉन्ग रेंज में काफी बढ़िया खेलता है। उसके जो लॉन्ग रेंज वाले मूव्स है ना वो काफी डेंजरस है, जो कि यार आपको काफी हार्म पहुंचा सकते हैं। यार आप जब तक अपने लॉन्ग रेंज वाले वेपन से उसे डैमेज पहुंचाने की कोशिश करोगे तब तक यार उसे उतना समय मिल जाता है कि वो अपने डेसोलेटर से आपको डैमेज पहुंचा सकता है। देखो फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कह रहा कि यार आप उसे लॉन्ग रेंज वाले वेपन से हरा नहीं सकते, आप उसे हरा सकते हो लेकिन ये काफी डिफिकल्ट होने वाला है। यार अब यहाँ पर क्वेश्चन खड़ा होता है कि आप किस वेपन से खेलो। यार आप शॉर्ट रेंज वाले वेपन से खेल सकते हो, जैसे लाइनस क्लॉव्स, बुचर नाइफ, फ्लेम क्लब। इसके अलावा आप बोटन्स, टॉनफॉक्स एंड नाइफ टाइप्स के वेपन यूज कर सकते हो। तो नंबर सेकंड टिप्स की तरफ चलते हैं, तो वो है यार एंचेंटमेंट। यार एंचेंटमेंट्स के बिना आपके जो आर्मर एंड वेपन है वो काफी कमजोर है। इसके फायदे फ्रेंड्स ये हैं कि यार आपको जो डैमेज वो काफी कम पड़ेगा आपके ओपोनेंट से, और जो यार आप डैमेज दोगे अपने ओपोनेंट पर वो काफी ज्यादा पड़ेगा। यार आप ज्यादा देर तक सर्वाइव भी कर पाओगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि यार कुछ एंचेंटमेंट्स ऐसे हैं जो कि यार टाइटन के शील्ड पर एक ग्रेट इंपैक्ट डालते हैं, जैसे यार फ्रेंजी, टाइम बॉम्ब, पॉइजनिंग एंड ब्लीडिंग। इसके अलावा यार आप अपने आर्मर पर डैमेज एब्सॉर्प्शन एंड रीजनरेशन जैसे एंचेंटमेंट्स लगा सकते हो, जो कि यार आप पर जो डैमेज पड़ेगा वो काफी कम कर देगा, या फिर दोस्तों आपकी जो हेल्थ है उसे बढ़ाने में मदद करेगा। नंबर 3, स्पीड एंड स्किल्स। यार आपको जैसे कि पता ही है कि हर बॉस का अपनी अपनी वीकनेस रहती है, यार ऐसी टाइटन की भी एक वीकनेस है, वो काफी स्लो है। यार इस चीज का आपको फायदा लेना पड़ेगा। आप टाइटन को अपने स्पीड से चकमा दे सकते हो, उस पर अटैक कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट वेव से, और अगर आप एक करने में चैंपियन हो गए ना तो आपकी स्किल्स काफी इम्प्रूव होने लगेगी। यार काफी बढ़िया टिप्स है, अगर आप इसे यार फॉलो करते हो तो यार आप टाइटन को डिफीट करने में कामयाब रहोगे। नंबर 4, स्टे क्लोज। जी हाँ, ये टाइटन को डिफीट करने में आपकी काफी हेल्प करने वाला है। यार देखो फ्रेंड्स, टाइटन से आप जितना दूर रहोगे टाइटन को उतना ही ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि यार जैसे कि मैंने कहा उसके जो लॉन्ग रेंज वाले अटैक्स हैं वो काफी डेंजरस हैं, वो अटैक्स आपको काफी हार्म पहुंचा सकते हैं, और जो उसके शॉर्ट के मूव्स है ना उनका तो फिर क्या ही कहने। इसलिए यार आप जितना क्लोज रहोगे उतना सर्वाइव कर पाओगे, और जितनी देर आप सर्वाइव कर पाओगे उतने ही आप टाइटन पर हावी होते जाओगे। देखो फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कह रहा कि यार टाइटन क्लोज रेंज में अटैक नहीं करेगा, यार वो क्लोज रेंज में अटैक करेगा और काफी अच्छी तरह से, लेकिन उसके जो क्लोज रेंज के अटैक हैं वो आपको इतना डैमेज नहीं पहुंचाएंगे। यार मैं तो यही कहूंगा कि जितना आप उसके क्लोज रहोगे उतने ही आपके जीतने के चांसेस रहेंगे। नंबर 5 एंड लास्ट, अवॉइड द मूव्स ऑफ टाइटन। यहाँ ये काफी हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए, आपको टाइटन के मूव से बचना होगा। और अब आपके माइंड में चल रहा होगा कैसे, यार मैं आपको बता देता हूँ कि आपको रोल एंड जंप करना होगा टाइटन की दूसरी तरफ, जिससे कि यार आप उसके मूव्स को डॉज कर पाओ। ये काफी बढ़िया ट्रिक्स है, मुझे पता है यार थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आप इसे अगर प्रैक्टिस करो तो यार आप डेफिनेटली आप इसमें मास्टर बन सकते हो। तो वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है। तो गुड बाय, टेक केयर।